दोस्तों खिली खिली एकदम मोती जैसी है ना साबूदाना या खिचड़ी बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जितना साबूदाना आपको लेना है ना बस उसी के लेवल तक का पानी डालिए, उसे ओवरनाइट सोक कीजिए और जब भी आपको बनाना है तो पैन में ऑयल लीजिए, जीरा क्रैकल होते ही बॉयल्ड पोटैटोज डालिए, फ्लेवर के लिए मीठा नीम डालिए और सीजन के अकॉर्डिंग मैंने इसमें मटर डाले हैं। 2 हरी मिर्ची चॉप करके मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि उसे तीखापन आएगा। 1 कटोरी पीनट को रोस्ट करके क्रश करके इसमें मैं डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 पिंच रोस्टेड जीरा और 1.5 चम्मच जो है वो नमक डाल चुकी हूँ मैं इसके अंदर। अब जो ओवरनाइट सोक किया हुआ साबूदाना है ना उसे हम इस खिचड़ी के अंदर जो मसाला हमने बनाया उसमें डालेंगे, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी पानी इसके अंदर नहीं जाएगा बनते समय और 1/2 हम इसके अंदर नींबू स्क्वीज करके डालेंगे। लीजिए खिली खिली साबूदाना खिचड़ी रेडी है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।